राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बसंत पंचमी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ बसंत पंचमी की कथा। बसंत पंचमी का महत्व क्या है और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें? बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो माँ सरस्वती की जय हो। बंधुओं, बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के पांचवें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है, जिससे यह बसंत पंचमी का पर्व कहलाता है। बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से ही जुड़ा हुआ है। इसी दिन भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए शबरी की कुटिया में पहुंचे थे। बंधुओं, बसंत पंचमी प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन मनाई जाती है। इस दिन विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी से बसंत उत्सव की शुरुआत होती है, जो होली तक चलती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऋग्वेद में माता सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि माँ आप परम चेतना हो। देवी सरस्वती के रूप में आप हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, मनोवृत्तियों की संरक्षिका हो। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार माँ आप ही हो। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। बंधुओं, अब मैं आपको बसंत पंचमी का महत्व बताऊंगी। बंधुओं, बसंत पंचमी रामायण काल से ही जुड़ी आ रही है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले गया, तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे, उनमें दंडक अरण्य भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उस कुटिया में पधारे तो वह सुद्भुत खो बैठी और प्रेमवश चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है, जहां शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु रामचंद्र वहां पधारे, और इसलिए बसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इसी दिन अपने बच्चे को गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, अन्य कोई शुभ काम करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। विद्या व कला की देवी सरस्वती इस दिन मेहरबान होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कला जगत से जुड़े लोग भी इस दिन को अपने लिए बहुत खास मानते हैं। चाहे वह कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब इस दिन का प्रारंभ अपने वाद्य यंत्रों और उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी माँ सरस्वती की पूजा किस प्रकार करें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक जगह माँ सरस्वती की प्रतिमा रखें। इसके बाद कलश स्थापित कर सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर पूजा करें। सरस्वती माँ की पूजा करते समय उन्हें स्नान कराएं। माता को पीले रंग के फूल अर्पित कर माला और सफेद वस्त्र पहनाएं। फिर माँ सरस्वती का पूरा श्रृंगार करें। माता के चरणों पर गुलाल अर्पित कर पीले फल या फिर मौसमी फलों के साथ साथ बूंदी चढ़ाएं माता को मिश्रित खीर का भोग लगाएं। सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी हैं, इसलिए पूजा के समय
पुस्तकें या फिर वाद्य यंत्रों का पूजन करें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन करने के बाद हवन किया जाता है, इसलिए माँ सरस्वती के ओम श्री महासरस्वत्ये नमः मंत्र से जाप करें और हवन करें। बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि रचना के दौरान भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगा कुछ कमी है जिसके कारण चारों ओर मौन छाया है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़काव किया, पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी जिसके हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा था, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बोलो सरस्वती माता की जय। ओम एम सरस्वत्ये नमः। 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 राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें।